अस्सलामुअलैकुम गाइस, ऑनलाइन मॉल में खुश आमदीद कहेंगे। ऑनलाइन मॉल आज आपके लिए लेकर आया बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट जिसका मॉडल नंबर है GS7 स्मार्ट वॉच, GS7 मैक्स स्मार्ट वॉच। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है, ये भी वेयर फिट प्रो का है, न्यू मॉडल आया है, फुल डिस्प्ले में आता है। एप्लीकेशन बॉक्स पर आपको यहाँ पर वेयर फिट प्रो पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर चार्जिंग का सिम्बल है और उसके बराबर में 1.9 इंच डिस्प्ले का सिंबल आपको चेक करने को मिलेगा। अगर साइड की बात करी जाए तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। बैक पे बात करी जाए तो मैं दिखाता चलूँ, ये देखिए स्पेस एल्युमिनियम केस, हालांकि एल्युमिनियम में नहीं है, ये वॉच आई है स्टेनलेस स्टील बॉडी में। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम ये सारी डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी। प्लीज़ यूज़ आउटपुट बेलो 2 एम्पियर एडाप्टर। अब आप ये चीज़ को समझिए कि आप लोगों के पास काफ़ी कंप्लेंट्स आती होंगी कि आपने वॉच बाय करी और वॉच बाय करने के बाद आपसे वो डेड हो गई, मतलब आपने चार्जिंग पे लगाई उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर दी या डिस्प्ले चला गया। बहुत सारी कंप्लेन इस टाइप की आती होंगी, तो पहले लोगों को समझ नहीं थी और काफ़ी सेलर्स भी नहीं बताते थे। लेकिन आप देखें ये कंपनी खुद यहाँ पर मेंशन कर रही है कि भाई 2 एम्पियर का अडॉप्टर यूज़ करो वॉच में, इससे ऊपर का करोगे वॉच उड़ जाएगी। बाकी सारी देखें चीज़ें लिखी हुई हैं, प्लीज़ एडजस्ट साउंड टू प्रॉपर वॉल्यूम, डो नॉट डिसअसेंबल इट, मॉडिफाई इट हीट और इट और एक्सपोज इट टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ये वेयरफिट प्रो की ऐप का QR कोड है, जो भी इसके एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं, ये मेड इन चाइना। एक और चीज़ बताया चलूँ, देखें स्मार्ट वॉच इज़ नॉट अ मेडिकल डिवाइस। कोई भी अगर किसी भी वॉच को बाय कर रहा है वो भी इस चीज़ के लिए कि भाई मैं ऐसे ही अपने हार्ट बीट मेजर कर लूँ या अपने पेरेंट्स की हार्ट बीट या BP मेजर कर लूँ, तो भाई ये वॉच उसके लिए नहीं बनी हुई प्रॉपर। इसमें कोई 100% इंडिकेशन नहीं होती, उसके लिए मेडिकेटेड डिवाइसेस आती हैं, आप वो बाय करें और उससे आप यूज़ करें, धोखा ना खाएं। यहाँ पर स्पेस एल्युमिनियम केस और एल बोले तो लार्ज और ब्लैक कलर का मतलब ये है कि भाई ये अंदर ब्लैक कलर में होगी, लेकिन ये स्पेस एल्युमिनियम केस इस बॉक्स पे गलत लिखा हुआ है। अंदर जो ये वॉच आ रही है ये आ रही है स्टेनलेस स्टील बॉडी में। तो चलिए गाइज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसकी अनबॉक्सिंग पे बढ़ने से पहले, अच्छा गाइज ये हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन का चैनल ऑनलाइन मॉल 9304 के नाम से ये हमारा चैनल है, मतलब यहाँ पर हमारा इंस्टा अकाउंट है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो आप यहाँ पर आकर इजीली ऑर्डर अपना प्लेस करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे पास टाइम पे लेटेस्ट में जैसे कि टैब्स चल रहे हैं, टैब भी मिल जाएंगे आपको हमारे पास, स्मार्ट वॉचेज हों, एयरपॉड्स हों, तो यहाँ पर ऑनलाइन मॉल के पास ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो भी ऑर्डर करना चाहे वो यहाँ पर आकर ऑर्डर कर ले या फिर हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो करके जैसे जैसे न्यू चीज़ें आती रहती हैं आपको यहाँ पर भी चेक करने को मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो गाइस चलिए अब इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि वॉच में इसके बॉक्स में कौन सी वॉच है और कैसी। तो जैसे हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे ये आपको इसके ऊपर फ्रंट पे ही मैनुअल चेक करने को मिलेगी, क्योंकि मैनुअल जो हमने जहाँ से खोली ये चाइनीज़ है तो हमारे किसी काम की नहीं है। हम बैक पे देखेंगे तो हमारे को बैक पर इंग्लिश में या बल्कि यहाँ पर इंग्लिश में आपको कुछ मिल जाएगी सारी डिटेल के साथ। इसमें सारी डिटेल्स हैं वॉच के हवाले से, किसी को एप्लीकेशन के हवाले से मुश्किल हो रही होती है तो ये QR कोड होता है भाई, इसको स्कैन करें, इसकी ऐप डाउनलोड करें और चेक कर लें कनेक्ट करके। अब बात करेंगे वॉच, देखिए वॉच इस तरीके से इसमें रखी हुई आपको चेक करने को मिलेगी। स्ट्रैप मिलेगा एक अदद आपको इसके अंदर, स्ट्रैप जो है सिलिकॉन का है। क्वालिटी के हवाले से अगर बात करी जाए तो काफ़ी स्मूथ और प्रीमियम क्वालिटी में मालूम होता है। तो स्ट्रैप को भी साइड में रखते हैं, चार्जर चेक करते हैं। तो जनाब चार्जर जो आया है इसके साथ वो वायरलेस चार्जर आया है। वायरलेस चार्जर की अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से आपको चेक करने को मिलेगी और ज़बरदस्त है। अच्छा लास्ट टाइम इसका एक मॉडल और आ चुका है HW7 Max, तो HW7 Max और देखते हैं इसमें कौन सा मॉडल ऊपर है। तो अगर वॉच अपने डिवाइस को निकालते हैं और डिवाइस आपको रैप मिलेगी, ये रैपिंग में पीछे से पहले रिमूव कर लूँ। तो गाइज़ हमने डिवाइस रैपिंग रिमूव कर ली है और आप चेक करें फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी में। ये देखें अगर साइड्स में आपको दिखाता चलूं तो देखिए खुद आपको आइडिया हो रहा होगा फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी में वॉच। अगर बैक पे बात करी जाए तो बैक पे सेरेमिक कोटिंग आपको चेक करने को मिलेगी, और साइड में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको इसका क्राउन और नीचे बटन चेक करने को मिलेगा। वॉच के अगर 3D कर्व की बात करी जाए तो 3D कर्व भी आपको चेक करने को मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा 3D कर्व आपको HW7 Max में देखने को मिलता है। तो गाइज हमने वॉच में स्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया है। स्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद किसका लुक चेक करें, कितना प्रीमियम आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है वॉच, और स्टेनलेस स्टील बॉडी की क्वालिटी और वॉच बिल्कुल ही अलग लुक हो जाता है इसका। वेयर करने के बाद तो और ही ज़बरदस्त आता है। चलें हम ऑन करते हैं और वॉच को चेक करते हैं।
वॉच चेक ऑन होते ही बोलेगी हेलो हाउ आर यू, हेलो बोल रही है, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस की तेज चेक कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल एडजस्ट कर ली है। इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलेगा, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सबसे पहले वॉच फेसेस काउंट करते हैं, इसमें कितने मिलते हैं, 1, 2, 3, और कलर्स देखें, डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त पे आ रहा है, 4, 5, ये देखिए डिस्प्ले कलर देखिए, 6, 7, ये देखिए कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। टोटल 7 वॉच फेसेस आपको इसके अंदर मिलेंगे। आप इसमें अगर चाहें तो कस्टमाइज वॉच फेसेस भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और अगर इसके मेन्यू की बात करी जाए तो आपको इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये कितना फास्ट वर्क करता है, तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है और अपनी जगह पर फास्ट वर्क कर रहा है। अब देखते हैं जूम, ये देखिए जूम इन। अच्छा, वॉच के डिस्प्ले की अगर बात करी जाए तो वॉच के डिस्प्ले में आपको बिल्कुल मामूली सी अगर एजेस देखने को मिलेंगी तो मिलेंगी, इसके अलावा इसके अंदर आपको एजेस कोई इतनी ख़ास नहीं देखने को मिलेंगी। वॉच जो है ना कलर्स में बहुत ज़बरदस्त है, और शायद थोड़ा बहुत आपको इधर आइडिया भी हो रहा हो, लेकिन जो मेरे हाथ में मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि वॉच के कलर्स बहुत प्यारे हैं। तो गाइज मैं अब आपको इसके इंटरफेस मज़ीद दिखाते चलूँ कि इसके अंदर आपको कितने मिलेंगे। डबल टैप चेंज, ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से भी इसमें इंटरफेस मिलेगा। डबल टैप, ये देखिए स्क्रीन का साइज़ का आइडिया आपको खुद यहाँ से भी हो जाएगा कि कितने परसेंट फुल है। वॉच की स्क्रीन ऑलमोस्ट फुल है और ज़बरदस्त है। और डबल टैप चेंज, ये देखिए डबल टैप। टोटल अगर मैं आपको बताता चलूँगी कितने मिल रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, टोटल 4 आपको इसके अंदर इंटरफेस चेक करने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसको इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। अगर आप ऊपर से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका कंट्रोल पैनल चेक करने को मिलेगा। ये इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के हवाले से ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपको बताएगा GPS के हवाले से कि आप कितना चले हैं पूरे दिन में, कितना आपने किलोमीटर का सफ़र तय करा है। ये जो है आपको चाइनीज़ सिस्टम है, यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट मैथड सिस्टम है, ये उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आप अपना बिजनेस कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि QR कोड, ये भी आपको कनेक्ट एप्लीकेशन के बाद कोई चाइनीज़ का पेमेंट मेथड पे सिस्टम है तो वो चेक करने को मिलेगा। सेटिंग्स यहाँ से आपको शॉर्टकट्स में मिलेंगी। यहाँ पे आप ये जो है ये TikTok के लिए यूज़ होता है या YouTube के शॉर्ट्स देखने के लिए। अगर आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करिए वॉच में तो आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही तो फॉरवर्ड होगी वीडियो, मतलब ऊपर जाएगी नीचे आएगी वॉच। कोई भी वीडियो को लाइक करना है तो आपने यहाँ लाइक पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी वॉच कनेक्ट नहीं है तो जैसे ही मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे ये कनेक्ट करने के हवाले से बार बार बोल रहा है। अब बात करते हैं इसके मज़ीद फीचर्स की। यहाँ पर वैकअप जेस्चर का ऑप्शन है, राइज टू वैक, जैसे आपने वॉच को अपनी तरफ करना है तो स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाना है। ये नाइट मोड आपको इसमें चेक करने को मिलेगा। डिस्टर्ब मोड, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है। ये स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है। स्क्रीन लॉक की अगर बात करी जाए तो ये देखिए स्क्रीन लॉक हो चुका है मेरे, कुछ भी करने से कोई वर्क नहीं करेगा, बटन दबाने से भी कुछ भी, तो ऑलमोस्ट आपको इसको 3 सेकंड्स बटन को पुश करके रखना है तो ये देखिए अनलॉक हो गई है। तो ये चीज़ आपको चेक करने को मिलेगी। इसके अलावा मज़ीद बात करी जाए तो आपको यहाँ बैटरी में मिलेगा भाई पावर सेविंग मोड, अगर आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने ऑन नहीं करना, अगर मैं ऑन कर दूँ तो देख लीजिए आप किस तरीके से। सिर्फ वॉच का भाई, वॉच का टाटा बाय बाय हो गया और सिर्फ डिस्प्ले ही आएगा, और यही आएगा डिस्प्ले, वो भी ऑन करने, मतलब आप जैसे अपनी तरफ कलाई करेंगे। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन चेक करने को मिलेगा, जैसा आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये NFC का फीचर है, नियर फ्रिक्वेंसी चिप, ये भी मिलेगी, NFC भी मिलेगी इसमें। यह आपका अलार्म है और ये फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है जिसके लिए वॉच का कनेक्ट होना लाजमी है। तो चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं कि इसके फंक्शंस में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले आउटडोर में देखते हैं भाई, आउटडोर रनिंग का ऑप्शन मिलता है। आउटडोर रनिंग में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से आपको इसमें आउटडोर साइकिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। आउटडोर साइकिलिंग में भी कैलोरीज, बीट पर मिनट और किलोमीटर कितना आपने चला सारी चीज़ें बताएगा। ओपन वाटर, सीट्स अप, ऑन फुट, ये सारे आपको मज़ीद फीचर्स मिलेंगे इसमें। इंडोर आउटडोर आपको दोनों स्पॉट्स के फीचर्स फंक्शंस मिलेंगे। और हार्ट रेट के हवाले से मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, देखिए मेजर तो कर रहा है ये मे बी पॉसिबल कुछ भी ये बता सकता है अपनी तरफ से ना। ये देखिए इसके सेंसर्स में लाइटें भी बराबर चलती हैं, लेकिन भाई आपने अगर कोई हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कोई डिवाइस लेनी है तो भाई ये चीज़ें ना लें,
आप ओरिजिनल कोई मेडिकेटेड डिवाइस लें जो अब वैसे ही स्मार्ट आती हैं गैजेट्स में, तो ये बिल्कुल इसमें भी मतलब भरोसे के लायक नहीं है। बाकी यहाँ पर ब्रीथ का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती। ब्लड प्रेशर हो, इसमें भी कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती। ये आपको कोई बताएगा नहीं, हम लोग बता रहे हैं, खुलकर बताते हैं, क्योंकि लोग बिला वजह परेशान होते हैं लेने के बाद चीज़ें मतलब फैसला कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी बताएगा, तो इसमें भी कोई 100% एक्यूरेसी नहीं है। प्रेशर, जितने भी मेडिकेशन के हवाले से जितने भी ऑप्शन है ना भाई, इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं होती। मैसेज के आपको यहाँ पर तमाम नोटिफिकेशन चेक करने को मिलेंगे मैसेज के हवाले से। और अगर बात की जाए स्टॉप वॉच, तो आपको स्टॉप वॉच का ये फंक्शन मिलेगा यहाँ पर चेक करने को। तो और फ़ोन के हवाले से यहाँ पर आपको तमाम मिलेंगे, रिसेंट कॉल क्या आती हैं, कॉन्टैक्ट लेस डायल, अगर आप डायल करना चाहते हैं तो ये आपको डायलर मिल जाएगा। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं मज़ीद देखते हैं कि आपको अलार्म, इसमें अगर आप जो भी टाइम रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो ऐड करना चाहते हैं अलार्म, डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये वेदर बताएगा चेक करके, जब ये वॉच कनेक्ट हो जाएगी तो बताएगा भाई कि वेदर क्या चल रहा है। काउंटडाउन भी आपको इसमें ये ऑप्शन मिलेगा। और इसके हवाले से ऐप स्टोर देखते हैं, ऐप स्टोर में शॉर्ट वीडियो का मेमो जो है ये आपने अपडेट करना पड़ेगा। इसकी ऐप से कनेक्ट करने के बाद ये सारे जो इसके फंक्शन हैं, फीचर्स हैं, ये अपडेट होंगे, फिर ये वर्किंग में आएंगे। बाकी कैमरे का मतलब ये नहीं है कि भाई वॉच का कैमरा है, बाज़ लोग आते हैं वो बिल्कुल ही नहीं लाते हैं कि भाई वॉच में तो कैमरा है, नहीं वॉच में कैमरा नहीं है। यहाँ जैसे ही आप कैमरा खोलेंगे ना इस वॉच में, तो आपके मोबाइल से वॉच कनेक्ट होगी, तो आपके मोबाइल का कैमरा ऑन होगा। आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो गया, आपने बस यहाँ टच करना है, तो आपकी जो वॉच से मोबाइल के कैमरे में पिक्चर कैप्चर हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको म्यूज़िक का म्यूज़िक प्लेयर आपको चेक करने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। और ये वॉइस असिस्टेंट है, यहाँ पर आप अपना आईफोन से कनेक्ट है तो सिरी यूज़ करेंगे, और अगर आपका गूगल से कनेक्ट है तो वॉइस गूगल वॉइस कमांड। सेटिंग्स की बात करते हैं कि भाई सेटिंग में क्या मिलता है, चाहिए देखिए वॉच कितनी स्मूथ और कितनी फास्ट है, ये देखिए कितना फास्ट। हाँ भाई कर लीजिए ना तेज़, वॉच बहुत परफेक्ट है, चलाने में वॉच बहुत स्मूथ है, वॉच की एक अपनी क्वालिटी है। अच्छा, राइज टू वेकअप का जेस्चर का ऑप्शन ऑन हुआ हुआ है, बिसाइड क्लॉक भी ऑन है, स्क्रीन ऑफ टाइम डायल, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। ब्राइट स्क्रीन ड्यूरेशन तो ये भाई 600 सेकंड्स तक आपको मिलता है। ब्राइट स्क्रीन ड्यूरेशन बोले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है वो इस वॉच में 600 सेकंड जो ऑलमोस्ट तकरीबन 10 मिनट्स हो जाते हैं, ये देखें ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम इसको बोलते हैं। 10 मिनट तक ये मतलब कंटिन्यू नॉन स्टॉप आपको इस तरीके से डिस्प्ले शो होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। आपकी वॉच भले ऑफ हो जाएगी, मतलब ऑफ से बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ये जो आपको कांटे घड़ियों के दिख रहे हैं ना भैया, ये ऐसे ही बिल्कुल देखने को मिलने वाला है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। ठीक है भैया, स्क्रीन ऑफ टाइम इसमें आपको कि स्क्रीन कितने टाइम कंटिन्यू ऑन रहे, तो स्क्रीन जो है कंटिन्यू कम से कम 30 सेकंड्स ऑन रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली। और क्या देखें, बात करी जाए तो डिमिंग में तो आपको ये ब्राइटनेस के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऑप्शन मिलेगा देखने को। टाइम सेटिंग्स में आप अपना टाइम जो भी फॉर्मेट रखना चाहें वो रख सकते हैं। कॉल सेटिंग्स में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन के हवाले से बात करी जाए तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस जो भी आपने हिसाब से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। डो नॉट डिस्टर्ब मोड भी ये इसमें एक्टिव कर सकते हैं। हेल्थ रिमाइंडर में आपको वाटर रिमाइंडर, ड्रिंक रिमाइंडर, कोई भी यानी कि जो भी है ना यहाँ से ऑन करो भाई, टाइमिंग अपनी सेट कर लो, उसके हिसाब से तमाम रिमाइंडर आपको देगी। ये चीज़ अच्छी है भाई, रिमाइंडर अक्सर लोग पानी नहीं पी पाते हैं और उनको शिकायत ही रहती है गुर्दों के हवाले से या पानी के हवाले से, तो ये रिमाइंडर बहुत अच्छा देगी, टाइम पे देगी, तो ये बड़ी परफेक्ट चीज़ है। पावर सेविंग मोड ऑन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये कैसा फंक्शन है। पासवर्ड भी भाई आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ये तो कोई नई चीज़ नहीं रही है, अब जितनी वॉचेज़ आ रही हैं सब में आपको पासवर्ड के ऑप्शन मिलते हैं, वो इसमें भी आपको मिल रहा है। कनेक्ट मोबाइल टू ऐप फोन, भाई ये कनेक्ट मोबाइल करने के लिए इसकी ऐप होती है, ये देखिए ये इसका QR कोड है, वियरफिट प्रो इसकी ऐप का नाम है, लेकिन ये अगर आप इसको स्कैन करेंगे ना अपने मोबाइल से QR कोड स्कैनर से, तो इसकी ऐप आ जाएगी ओपन होकर, वो आप डाउनलोड करो और कनेक्ट करो। अबाउट में आते हैं तो मेरे भाई ये देखिए मॉडल नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा, GS7 Max, फर्मवेयर भी इसके हवाले से लिखा हुआ है, सारी ब्लूटूथ नेम जो आपको नाम बताया मॉडल का, ये देखिए। अच्छा मेन चीज़ बता चलूँ, ये देखिए बॉक्स पे जो नाम लिखा हुआ ना GS7 Max, यही मॉडल नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं दिखाता चलूँ, ये देखिए इक्विपमेंट नेम GS7 Max। अब बहुत सारे लोग हैं, सबने अपने चूरन बेचने हैं तो सबने अलग अलग नाम रखा हुआ है, कोई टाइटेनियम बोलेगा, कोई फ्लाटिनियम बोलेगा, कोई प्लेटिनियम बोलेगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, कहीं कंपनी ने ऐसा नाम रखा हुआ है, लोगों ने सबने अपने नाम लिखे हुए और अपने नाम से चूरन बेच रहे होते हैं कि हमारे पास टाइटेनियम है।
आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो आप उसका मॉडल नंबर ज़रूर आप जानते हो कि आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उसका मॉडल क्या है, तो उसके बाद आप लो, ठीक है। तो अक्सर लोग अपनी चीज़ को भाई सेल आउट करने के चक्कर में कुछ भी नाम रख के बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है इस नाम से वो कहीं और जाते हैं लेने किसी सेलर्स के पास, तो उनको वहाँ मिलनी ही नहीं है, तो इस वजह से ये आपको अजीब अजीब से नाम सुनने को मिलते हैं। हाँ, तो अगर मॉडल में कोई कन्फ्यूजन हो, आप बोलो भाई अबाउट में क्या लिखा हुआ है वो दिखाओ या बॉक्स की पिक्चर दिखाओ, तो यहाँ शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा आपको, रिबूट का मिलेगा, रीस्टोर फैक्ट्री का, ये हो गई सेटिंग, कैलकुलेटर भी है भाई, कैलकुलेटर आपको कुछ इस तरीके से चेक करने को मिलेगा। तो जनाब तकरीबन मैंने इसके फंक्शंस फीचर्स के हवाले से तो आपको इन्फॉर्म कर दिया, अब ये आपने फैसला करना है कि आपको वॉच कैसी लगी, उसके हवाले से कमेंट्स करके आपने मुझे लाजमी बताना है। कलर क्वालिटी देख लो भाई, फुल HD है ये देखें, और इसमें 45 mm इसका साइज़ है वॉच का, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से जो स्ट्रैप ऐड करना चाहें इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। देखिए वॉच कितनी स्मूथ है, लेकिन थोड़ा सा जो डिस्प्ले है ना वो इसकी बिल्कुल मामूली सी एजेस आपको चेक करने को मिलेंगी। बनिस्बत अगर बात करी जाए कि HW7 Max अगर कंपैरिजन करा जाए या N78 Pro Max से, तो ये उनसे पिछला मॉडल कहलाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से बॉर्डर ज़्यादा हैं। तो गाइज मैं ये वेयर करके भी आपको चेक करवाता हूँ कि वेयर करने के बाद आपको इसका लुक किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो गाइज ये चेक करिए, मैंने वेयर कर लिया वॉच और लुक देखिए कितना ज़बरदस्त और प्रीमियम सा आ रहा है, और स्टेनलेस स्टील बॉडी की तो बात ही अलग होती है। देखें वैकअप जेस्चर, बिल्कुल वॉच जो है बिल्कुल परफेक्ट है और बड़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत सी लग रही है वेयर करने के बाद। अच्छा गाइज ये देखिए आप, ये HW7 Max है जो मैं आपको फ्रंट पे दिखा रहा हूँ, और ये जो है GS7 Max है ये वाला मॉडल। तो अब आप खुद ही फैसला कर लेंगे डिस्प्ले का साइज़ किसका बड़ा है और कौन सी ज़्यादा परफेक्ट रहेगी आपके लिए। और ये देखिए तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन ये वाली जो वॉच है ये एज टू एज ये फुल स्क्रीन में आपको चेक करने को मिलेगी 100%, और ये इतनी नहीं है। आप इस वॉच में अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज वॉच फेस भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करना चाहें तो। और गाइज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं करा हुआ है, ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू एंड लेटेस्ट मॉडल हमारे पास आते रहते हैं, और कोशिश होती है पाकिस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इंशाल्लाह आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा। मुझे शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।